मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। ये लाइन हम सबने ही कभी न कभी तो सुनी होगी। ऐसी ही मुस्कुराहट है लखनऊ के इंद्रनगर की रहने वाली कृष्णा वर्मा की। लेकिन आज से 5 साल पहले कृष्णा वर्मा की मुस्कुराहट को शायद किसी की नजर लग गई। उनके हाथ और पैर दोनों जाम हो गए और वो लंबे समय के लिए बिस्तर पर पड़ गई। हालांकि अब वो इस बीमारी से 80% ठीक हो चुकी है। आइए जानते हैं कौन सी दवाई ने उन्हें सेहत का अनमोल तोहफा दिया। 61 साल की कृष्णा वर्मा उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां पर आमतौर पर मान लिया जाता है कि अब वो रिटायर्ड हो गए, मतलब अब थकान भरा बोझिल जीवन जीने का वक्त आ गया, क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर थक जाता है। अब इस बीच कोई अलग से आपको गंभीर जोड़ों का दर्द सताने लगे तो आपका चलना फिरना भी बंद हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ कृष्णा वर्मा के साथ। जिम्मेदारियों से निकलकर कृष्णा वर्मा अपने लाइफ का एक पीरियड एंजॉय कर रही थी और उन्हें चिकनगुनिया हुआ। चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द आमतौर पर 1 से 2 सप्ताह तक रहता है, लेकिन कई मामलों में ये परेशानी महीनों ही नहीं कई सालों तक दर्द बनी रहती है। यहीं से इस दर्द ने कृष्णा वर्मा का साथ पकड़ लिया। इस दरमियान कृष्णा वर्मा को शदीद तकलीफ से गुजरना पड़ा। उन्होंने दर्द के इलाज के लिए ऐसा क्या नहीं किया, लेकिन दर्द ज्यों का त्यों बना रहा। ये सन 2016 से हम लोग घूमने गए थे बाहर, तो हमारा अचानक ही रास्ते से ही तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, हाथ पैर जाम हो गए। तो उसके बाद जो है ये था कि भाई काफ़ी तेज बुखार है और कैसे, मतलब जो है आगे 10 दिन का प्रोग्राम भी था। फिर उसको ये था कि भाई हमने हस्बैंड से कहा, इनके एक दोस्त हैं तो वो होम्योपैथिक के जानकार हैं, तो हमने कहा उनसे फ़ोन करिए और कोई दवा, उनके ऊपर विश्वास भी बहुत ज़्यादा है, जैसे हकीम साहब के ऊपर है इसी टाइप से उनके ऊपर भी है। तो इन्होंने बात किया तो उन्होंने दवा बताई, फिर हम लोगों ने वहाँ से दवा ढूंढ ढांड के ली, फिर किसी तरीके से 2-4 दिन मैनेज करके फिर हम लोग सारे प्रोग्राम चेंज करके आ गए घर लखनऊ। उसके बाद फिर यहाँ पर इलाज चलता रहा उस, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मालूम हुआ, जैसे डॉक्टरों से दिखाया तो मालूम हुआ कि चिकनगुनिया हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो होम्योपैथिक ही चलाते रहे। फिर काफ़ी दर्द बढ़ता रहा, कभी आराम मिले कभी बढ़ जाए। तो फिर हमने डॉक्टर आरपी सिंह यादव हैं यहाँ हड्डी के, उनको दिखाया, 2 साल उनका इलाज चला। उसके बाद फिर उनका भी यही होता था कि जब इलाज बंद हो जाता था तो फिर वैसे ही समस्या आ जाती थी। कृष्णा वर्मा के पति अब हार मान चुके थे। लंबे इलाज के बाद भी पत्नी का बिस्तर पर रहना ये उन्हें परेशान करने लगा था। फिर उन्हें टीवी के माध्यम से हकीम सुलेमान खान साहब के बारे में पता चला। उन्हें पहले पहल तो उनके नुस्खों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए ये नुस्खा भी आजमाने को तैयार थे। हकीम साहब द्वारा दिए नुस्खे से कृष्णा वर्मा की सेहत में जो बदलाव आए वो आप खुद ही सुनिए। इन्होंने ये प्रोग्राम बीच जैसे देखा, इन्होंने 2 साल से करीब देख रहे हैं, 2 साल पौने 2 साल से देख रहे हैं, तो इनको कुछ समझ में, क्योंकि हम बहुत परेशान थे तो इसकी वजह से हमारा परिवार भी बहुत परेशान था। तो इन्होंने फिर हकीम साहब का जब प्रोग्राम देखा तो इन्होंने मन में बना लिया कि हम कुछ दवाइयाँ लेकर के आएंगे। तो ये एक दिन ऐसे हम लेटे लेटे सुन रहे थे, लेकिन उतना नहीं समझ पा रहे थे कि टीवी में देखा नहीं था उनको, तो दवाइयाँ ले आए, फिर हमको बताया कि ऐसे ऐसे खाइए, फिर खाई तो उससे एक आध दिन बाद जो है हमारे शरीर काफ़ी दर्द पैरों में बढ़ गया और बिल्कुल जो है हमें और तकलीफ काफ़ी हो गई। तो हम मन में यही सोचने लगे, इनसे भी हमने कहा ऐसा है कि दर्द तो हमारे पहले था भी और ये दवाइयाँ खा रहे हैं तो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है दर्द। तो कहने लगे ठीक है, हम डॉक्टर साहब से बात करा देंगे आपकी, तो बात कर लीजिएगा, जो समस्या हो बताइएगा। तो डॉक्टर जफर हैं तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे आराम मिलेगी। फिर 4-6 दिन बाद आराम मिला, बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर पता नहीं एक शादी में जाना पड़ा पिछले साल फरवरी में, तो वहाँ गए, वहाँ कुछ मौसम ज़्यादा ठंडा था, अब वो पता नहीं ठंड लग गई जाने क्या, तो हमारे काफ़ी एकदम बाएं तरफ के पैर में काफ़ी अटैक हुआ उसका, ठंड का जो है चलना फिरना मुश्किल हो गया, पैर कुछ टेढ़ा होने लगा, दर्द भी बढ़ गया। तो फिर यही था कि भाई चलिए, फिर प्रोग्राम इनका, फिर जब हम इनका हकीम साहब का देखने लगे तो फिर हम अक्सर
फोन मिलाते थे, और बाई चांस ऐसा हुआ कि पहला ही फोन हमने जैसे ही मिलाया वैसे ही आपसे बात हुई, हकीम साहब के दर्शन भी हुए और बात हुई, बात करके बड़ी खुशी मिली। उससे हमें लगता बात करने में आधा दर्द तो हमारा ऐसे ही ठीक हो गया पैरों की, तो उससे काफ़ी आराम, करीब 80% हमें आराम, हाथों में तो 100% है, पैरों में 80% है और हकीम साहब की दवाई। सेहत में इस सुधार से कृष्णा जी और उनके पूरे परिवार के चेहरे की हंसी लौट आई। कृष्णा जी और उनके पति अब ये नुस्खे और दवाइयाँ रिश्तेदारों को पहुँचा रहे हैं। साथ में ऐसा कोई जरूरतमंद जो लंबे अरसे से परेशान है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें दोनों दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं। राहत मिली और हस्बैंड को भी राहत मिली, क्योंकि ये तो काफी उनके मुरीद हो चुके हैं, मुरीद तो हम भी हैं उनके, लेकिन ये फिर जो भी दोस्त या कोई भी रिश्तेदार कोई भी फोन करता था, कोई भी किसी तरीके के बात करने में तकलीफ बताता था, तो ये तुरंत उसको आप ये ले लीजिए तो इससे आपको आराम मिलेगा। जैतून का सिरका बहुत मतलब गया इधर उधर रिश्तेदारों में, दोस्तों में, और ये क्या नाम गोंसिया, कुछ मरीज ऐसे भी हैं जैसे मान लो गोंसिया हम डिब्बे ले आए मंगवा लिए, तो भाई जिस जो नहीं खरीद पा रहा है उसको भाई ऐसे सेवा के लिए दे दिया कि भाई इसको फायदा हो जाए। कृष्णा वर्मा कहती हैं कि अगर आप खुद का ख्याल रखते हो, सही ट्रीटमेंट लेते हो, तो आप 70 की उम्र में भी फिट रह सकते हो। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृष्णा वर्मा और उनका परिवार हकीम सुलेमान खान साहब का आभारी है। सुनिए हकीम साहब को लेकर क्या कुछ कहना है उनका। अमर रहे अमर रहेंगे तभी हम लोगों की और जनता की सेवा हो पाएगी। जी, और हकीम साहब जो कहते हैं कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे या फिर कुछ और, अरे वो सुन करके, जी वो सुन करके तो हम लोग सब घबरा गए थे कि अब इतनी जल्दी तो बात भी नहीं होती, कभी हो पाती कभी नहीं हो पाती, उनसे कैसे कहा जाए कि अभी रिटायरमेंट ना लीजिए। हम तो कहते हैं कि आप लोग एलोपैथिक का तो बहुत जरूरी हो तो इलाज करिए, और नहीं तो यूनानी से जुड़ जाइए, इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं। दर्द और परेशानी झेल चुकी कृष्णा वर्मा बखूबी जानती है कि सेहत कितनी अनमोल है। यही वजह है कि अब बिना किसी स्वार्थ के वो लोगों की मदद कर रही हैं। इस दुनिया में जहां मुसीबत में अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, वहां वो जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं जिनका कोई सहारा नहीं। वो इस प्रेरणा का जरिया किसी और को नहीं बल्कि हकीम सुलेमान खान साहब को बताती हैं।